हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। कोइंसिडेंसली ऐसा हो रहा है हमारे चैनल पे कि एक के बाद सेम टॉपिक पे वीडियो बन रहे हैं। फिर से एक बार मैं लेके आया हूं अनबॉक्सिंग का वीडियो। इस बार अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम बोया का माइक। गाइस, ये माइक का कॉस्ट मुझे लगा है 939 रुपीस और इस पे एमआरपी है 1200 रुपीस। तो अमेज़ोन में ऑफर चल रहा था तो उस टाइम पे मैंने परचेस किया है और ये परचेस मैंने लॉकडाउन के टाइम पे ही किया है। अभी आया है माइक। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट अंदर निकलते हैं। इस माइक बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेन है। ये एक पाउच आता है जिसके अंदर माइक है लगता है और इस पे ब्रांडिंग है बोया का। और इसमें आता है एक यूज़र गाइड, इसको बाद में रीड करते हैं फुर्सत में। अभी निकालते हैं इसको। इसमें ये आया है वारंटी कार्ड। जेल आता है साथ में। ये एक पाउच मिला है। ये है वो माइक हमने जो ऑर्डर किया हुआ है, बोया का माइक है ये। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कैमरा और स्मार्टफोन के लिए। और ये टोटली 6 मीटर वायर है, काफ़ी लंबी वायर है। ये माइक हम मोस्टली हम मोटर लॉगिंग के टाइम पे यूज़ करने वाले हैं। ये पूरा वायर हेलमेट के अंदर फिक्स होगा। ये जो माइक है वो ज़्यादातर बिगनर लॉगर यूज़ करते हैं। ये सस्ते में आ जाता है और क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है माइक का आउटपुट का। तो मैं आपको ये माइक सजेस्ट करता हूँ परचेज़ करने के लिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 936 रुपीज़ है। तो जो भी सोच रहे हैं माइक लेने के लिए तो ये आप ये माइक ले सकते हो बोया का। आपको एक ये पाउच भी मिलता है, आपको ये पाउच भी मिलता है साथ में जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, माइक उसके एक्सेसरीज। अभी इस पाउच को ओपन करते हैं। इस पाउच में आता है एक क्लिप, शर्ट क्लिप जो टाई होती है, एक स्पंज जो माइक पे जाता है, इस तरह आपको फिट करना है। इससे नॉइज़ कैंसलेशन ज़्यादा होता है, विंड ब्लास्ट जो आता है ये स्पंज कैंसिल करवा देता है। इसको अच्छे से फिट कर लीजिए। ये हो गया फिट। और इसमें एक आता है जैक। ये जैक का तो यूज़ कुछ नहीं हमारे लिए अभी तो। और ये एक ये सेल जो कि ये इसमें फिट होने वाला है, ये सेल भी फिट कर देते हैं इसमें। ये नॉर्मल वॉच सेल है और इसको ऐसे फिट करना है। ये साइड नेगेटिव रखना है और ये साइड पॉजिटिव। इस पर आपको मार्किंग भी दी जाएगी, प्लस प्लस का मार्किंग है इस पर। ये सेल काफ़ी टाइम चलता है। इसको फिर से फिट कर लेते हैं। इसमें आपको दो मोड मिलते हैं, कैमरा मोड और एक स्मार्टफोन मोड। हम कैमरा मोड पे रखेंगे। और ये जो क्लिप है इसको हम जब भी लॉक कर रहे हैं तो इस टाइम पे उसको हम शर्ट पे लगा सकते हैं। पर ये जो क्लिप है, ये क्लिप ज़्यादा धोखेदायक है मोटो लॉगिंग के हिसाब से।
अगर आपके पास GoPro है और आपको माइक कनेक्ट करना है तो उसके लिए एक नेसेसरी चीज़ है, वो है एडेप्टर, GoPro का एडेप्टर। इसके बिना माइक कौन सा ही सपोर्ट नहीं करता है GoPro को, तो आपको कंपलसरी ये आपको परचेस करना ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो भी चेक कर सकते हो। GoPro को कैसे कनेक्ट करना है माइक, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें ये GoPro का एडेप्टर का ये ओपन करना है साइड पैनल, उसमें आप सी पोर्ट का पोर्ट देख पाओगे। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये पैनल निकाल लेता हूँ। आपको ये पैनल निकालने के लिए इसको आगे पुश करना है और इसको बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से ये निकल जाता है, इसको संभाल के रखिए, ये जल्दी से मिलता नहीं है ये पार्ट, इसकी वजह से इसका वाटरप्रूफिंग चल जाता है। अभी ये GoPro वाटरप्रूफ नहीं रहा है। सेकेंड स्टेप ये है कि हमें एडेप्टर इसको कनेक्ट करना है। इसका भी पोर्ट सी पोर्ट ही है, तो इसमें सी पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। हमने एडेप्टर कनेक्ट कर लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि इसको 3.5 mm के जैक में ये वाला माइक आपको फिट करना है। इस जैक में, ये जैक इसमें फिट करना है आपको। मैं एक हाथ से शूट कर रहा हूँ इसलिए प्रॉपरली शूट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा समझ लीजिए। इसके बाद आपको करना है GoPro ऑन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसकी सेटिंग कैसे करनी है आपको। ये मेरा 5 lakh GoPro है। फर्स्ट स्टेप आपको स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपको प्रेफरेंस में जाना है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करते करते ऑडियो इनपुट में जाना है। ऑडियो इनपुट आपको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपको स्टैंडर्ड माइक पे रखना है पहले और साइड का बटन प्रेस करना है, तो आप बाहर आ जाओगे। तो इसका मैं आपको ऑडियो कैसे आ रहा है आपको बताऊंगा, एक डेमो दे रहा हूँ स्टैंडर्ड माइक केस पे। हेलो 1 2 3 हेलो। अब आपको सेम प्रोसेस के साथ वापस सेटिंग चेंज करना है। हेलो 1 2 3 हेलो 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 1 2 3 हेलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसी के साथ लेते हैं अलविदा।